हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। तो आज है महाशिवरात्रि और हम लोग हैं शिमला में। आज मैं अपने घर को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि मेरे बिना घर में शिवरात्रि मनाई जा रही है। आज मतलब इस टाइम के लिए हम सब कुछ तैयारी वगैरह कर रहे होते थे, खाने की क्या क्या बनाना होता था। मेरे लास्ट ब्लॉग में देख लेना आप, 1 ईयर पहले मैंने शिवरात्रि का ब्लॉग डाला था। हम इतनी सारी चीज़ें बनाते हैं आज, और नाचते हैं शाम को, सही महाराज लगाते हैं, बहुत मज़ा आता है घर में। तो यहाँ पे तो क्या ही खास होगा, थोड़ा बहुत हम खाने के लिए बना देंगे, बाकी देखते हैं। अगर हम कहीं जाते हैं तो मैं वो भी कैप्चर कर दूँगी, तो इस ब्लॉग में यही होगा, बोरिंग सा महाशिवरात्रि वाला ब्लॉग और घर की याद आ रही है बस, और तो क्या ही बोले बस बस यार। तो यूं ही बने रहे इस ब्लॉग में। सबसे पहले तो मुझे सफाई वगैरह करने को है, कपड़े वगैरह धोने को है, क्योंकि मेरा अब एग्ज़ाम 11 को है और मेरा पिछले कल भी एग्ज़ाम था, और फर्स्ट एग्ज़ाम के दिन मैं जो बीमार हो गई थी, तगड़े वाली बीमार, उसके बाद मेरी सिटेबिलिटी खुल हो गई थी। कल मैंने एग्ज़ाम भी बड़ी मुश्किल से दिया और कल मैंने दवाइयाँ भी खाई डबल डोज, तब जाकर मैं एग्ज़ाम देने गई थी। और एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा हुआ, मतलब सही आया था, बढ़िया गया एकदम। एक वो तो मैंने कॉलेज में पॉलिटिक्स पढ़ के रखी थी ना, तो इसलिए मेरा कंटेम्प्रेरी का पेपर ठीक सा हो गया, मुश्किल भी नहीं आई ज़्यादा। और मेरे चाचू मेरे को छोड़ने आए थे वहाँ पे लेने भी, तो इस तरह से मेरा दिन बीते अभी कुछ पीछे वाले दिन। बाकी देखते हैं इस ब्लॉग में क्या क्या होता है, यूँ बने रहे ब्लॉग में। वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। अभी हम पहुंचे हैं मिडिल सांगटी में। आज हमारा प्रोग्राम बनाया है मंदिर जाने का। हमारे साथ है पिंकू भैया और एक और भैया और अंजलि। हम थर्ड सांगटी में हम अंजलि का इंतजार कर रहे हैं, अभी आने वाली होगी थोड़ी देर में। बाकी चलो चलते हैं फिर मंदिर को। यहाँ पे भी इधर एक मंदिर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, शाम को देखते हैं यहाँ पे आएंगे। हाँ आप देख सकते हो कितना ज़्यादा रश है। और वॉक से भैया हेलो गाइज, अभी हम चल पड़ रहे हैं समर हिल के लिए और अंजलि भी आ चुकी है यहाँ पे, और अब हम मिलेंगे आपको समर हिल के पास। अभी हम समर हिल चौक के पास पहुँच चुके हैं, यहाँ से हम लेंगे बस। जय हो गौ माता। अभी हम पहुंचे हैं ओल्ड बस स्टैंड के पास। हेलो दोस्तों, पहुँच गए हैं पंचायत भवन के पास, और यहाँ आगे से हमें मिलेगी बस जिसमें हमने जाना है संजाली को। पहुँचे हैं संजाली में। कुबिया यहाँ पे अपना चश्मा बनवाने को दे रहे हैं अंदर, जितने तक हम वापस आएंगे उतने तक इनका चश्मा भी बन जाएगा। हम्म।
हेलो हेलो गैंगस्टर लग रहे हैं हमारे भाई लोग हैं जो हमें मिल चुके हैं सिंजाली में। हेलो हेलो ओए सुबू इसको तो दिखाइए। तो गाइस अभी हम पहुंचे हैं विशाल मेगा मार्ट के पास सिंजाली, देख सकते हो आप इधर। यहाँ से हमें पैदल जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। और इस साइड तो धूप भी ज़्यादा है, हमारे साइड तो इतनी धूप भी नहीं है। यहाँ पे लग रहा है कि कुछ गर्मी आ गई है। हाँ हम पहुँच चुके हैं ढली टनल के पास जो अभी नई नई बनी है। चलिए दोस्तों टनल क्रॉस कर दी है और यहाँ ऊपर डिंगू मंदिर। अब हम यहाँ से जाएंगे सीधा उधर जो कि है मंदिर के पास जो कि हमारे सामने है बिल्कुल। ये हमने तिलक लगा लिया है कि कहीं से ये एंट्री गेट। चलो मेरे भाई चलो दोस्तों अंदर चलते हैं हम। चलो यहाँ फोटो शूट भी कर लिया है। अब चल रहे हैं हम बस के लिए। बाय बाय। आज मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ विशाल मेगा मार्ट। सेल लगी है। What 99 रुपीस की टी शर्ट। हम कर रहे हैं बॉक्सर भैया का इंतजार यहाँ पे क्योंकि हमने तो कुछ लेना था नहीं, उन्होंने कुछ सामान लेना था। बाकी अंदर जो है कैमरा कुमरा ले जाना या ऑन करना सख्त मना है। अब जाएंगे। आज आपका व्रत है, आपको कैसा फील हो रहा है? मैंने शिवरात्रि के गाने लगा दिए और इन लोगों का नाचने का मन करा है पर ये शर्म के मारे नहीं नाच पा रहे हैं। फिर जो है हमारा चाइनीज पराठा आ चुका है और अब हम खाएंगे इसको। चीयर्स गाइस चीयर्स। और उनको भैया खाएंगे रस मलाई क्योंकि वो पहलवान भी और अंजलि का व्रत है इसलिए वो लोग धनहार वेट कर रहे हैं। ना खाने के बाद अब हम चल पड़ रहे हैं वापस। हम चलते जा रहे हैं और हमें बस भी नहीं मिल रही है गाइस। अभी हम पैदल चल रहे हैं बिल्कुल ही चलते जा रहे हैं। शुभ अवसर पे यहाँ से मिठाइयाँ लीजिए अंजलि जी। हम जाएंगे जिम में इनके जूते खोल के जाना होते हैं टीका एकमात्र जिम। Hey
गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं रूम में, अब हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे फिर बनाएंगे खाना। और मेरे घर में जो है सही लग चुका है और मम्मा वगैरह तैयारियां कर रहे हैं बढ़िया से। तो मेरे को आ रही है बहुत ज़्यादा याद करके, बहुत ज़्यादा रोना ही आ गया था मेरे को अभी पहले तो जब मैंने वीडियो कॉल की थी। पर अभी जो मेरे घर में मतलब होगा इस बार शिवरात्रि का, मैंने बोला है भैया को, मेरे भैया एक अनु भैया, उनको की वीडियो बनाना फिर भेजना मेरे को। तो अगर वो मेरे को वीडियो भेजेंगे तो मैं एक उसकी अलग से वीडियो डालूंगी यूट्यूब पे, तो फिर देखना आप कि हमारे घर में ऐसे ऐसे होता है। बाकी बनाएंगे अब हम मटर पनीर, थोड़ा सेवैयाँ वगैरह देखते हैं क्या क्या बनाते हैं। One day,